हेलो दोस्तों, कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 12 वोल्ट के बैटरी को चार्ज करने के लिए उसका चार्जर कैसे बनाया जाता है, कैसे उस चार्जर का कनेक्शन किया जाता है ए टू जेड। हम आपको इस वीडियो में डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, आपको सिखाएंगे। यदि आप 12 वोल्ट के बैटरी चार्जर बनाना चाहते हैं, उसका कनेक्शन सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए 12 वोल्ट के बैटरी चार्जर बनाने के लिए, इसका कनेक्शन करने के लिए, सबका पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसका नाम बता देते हैं और इसका काम क्या था, ये सब हम आपको बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। बात आ रही है समझ में? चलिए, यहाँ पर ये वाला जो फिगर दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये एक आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर लेना है, ठीक है, बैटरी चार्जर बनाने के लिए, जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट और 6 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करता है। अरे बात समझ। चलिए, यहाँ जो ट्रांसफार्मर दिखाई पड़ रहा है, इसमें दो वाइंडिंग, एक हमारा प्राइमरी और एक हमारा सेकेंडरी है, ठीक है। तो जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें यहाँ पर टोटल 9 लूप यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें यहाँ पर ये जो पहला वाला जो लूप दिखाई पड़ रहा है, जब आप ट्रांसफार्मर लेंगे तो उसमें 3 वायर निकला हुआ रहता है, ठीक है। एक हमारा कॉमन का होता है, एक 12 वोल्ट और एक 6 वोल्ट का होता है, ठीक है। चलिए, जो हमारा न्यूट्रल का था वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो हमारा ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ट्रांसफार्मर, इसमें ये वाला हमारा जो है ना, ये माइनस का पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा कॉमन का है। बात आ रही है समझ में? चलिए, इसके नीचे वाला ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा 6 वोल्ट का, कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है। आ रही है समझ में? सॉरी, यहाँ पर भी लिखना चाहिए ना। हाँ, चलिए, आप समझ जाइएगा, 6 वोल्ट का। और ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा 12 वोल्ट के लिए, ठीक है, ये लूप निकला हुआ है। आ रही है समझ? चलिए, ये ट्रांसफार्मर है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाला फिगर की, तो ये जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा रोटरी स्विच का है, ठीक है। और इस रोटरी स्विच में टोटल 8 टर्मिनल है बाहर की साइड, और बीच में एक टर्मिनल होता है जो हमारा कॉमन वाला होता है, ठीक है। आ रही समझ में? चलिए, इसके नीचे ये जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा इंडिकेटर का, इंडिकेटर हमें यहाँ पर इसलिए लगाए ताकि इसमें जब सप्लाई दे तो हमको पता चले कि जो बैटरी चार्जर है वो हमारा वर्क कर रहा है, इसमें सप्लाई इनपुट आ रही है। बात आ रही है समझ में? चलिए, और ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा फ्यूज है और ये हमारा स्विच है। आ रही है समझ में? चलिए, अब हम क्या करते हैं, ये वाले कंपोनेंट की हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा दो डायोड है, 5408 का, 6 एम्पियर का, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड का प्रयोग कर रहे हैं। आ रही है समझ में? चलिए, उसके बाद ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा, ये यंत्र क्या करता है, ये एमीटर है, ठीक है। ये एम्पियर को क्या करता है, मापता है कि कितना एम्पियर हमको चाहिए। आ रही है समझ में? चलिए, और यहाँ पर हम 3 कनेक्टर लिए हुए हैं, जिसमें क्या करना, आउटपुट टर्मिनल जो हम आपको जो हमको आउटपुट सप्लाई चाहिए ना, उसके लिए यहाँ पर कनेक्टर लगाया गया, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल का, और ये हमारा 6 वोल्ट का, और ये हमारा 12 वोल्ट का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इतने सारे पार्ट पुर्जे मिलकर के एक बैटरी चार्जर बनता है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, चलिए हम आपको। तो गाइस, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी हो गया था, रोटरी स्विच के जो नंबर हम दिए थे ना, वो नंबर गलत तरीके से दिया गया था, इसको मैंने सुधार दिया। चलिए, इसका कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफार्मर का ये जो 8 लूप दिखाई पड़ रहा है, इस 8 लूप का कनेक्शन हम इस रोटरी स्विच के साथ करेंगे, ठीक है। कौन सा टर्मिनल का कनेक्शन किसके साथ करेंगे, वो सब हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि ट्रांसफार्मर का कौन हमारा 1 नंबर का टर्मिनल होता है, कौन हमारा 8 नंबर का टर्मिनल होता है, ठीक है। इसी में सबको कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसको आप क्लियर रूप से पहले समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, जब हम ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग करना, उसको लपेटना हम स्टार्ट करते हैं, तो जहाँ से हम लपेटना स्टार्ट करते हैं वो हमारा कॉमन पॉइंट कराता है, ठीक है। तो कॉमन का जो पहला पॉइंट जो निकलता है लूप, वो हमारा 1 नंबर का होता है, ये 2 नंबर का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो जो हमारा 8 नंबर टर्मिनल होता है, उसको पहचानने का तरीका ये है कि ट्रांसफार्मर का सबसे लास्ट वाला जो टर्मिनल होगा ना, वही हमारा 8 नंबर टर्मिनल होगा, ठीक है। आ रही है समझ में? चलिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफार्मर का 1 नंबर का जो टर्मिनल है ये वाला, उसको हम रोटरी स्विच के 8 नंबर टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला होता है, समझ में आ रही बात। चलिए, उसी प्रकार से 2 नंबर को 7 नंबर के साथ, 3 नंबर को 6 नंबर के साथ, 4 नंबर को 5 नंबर के साथ, और 5 नंबर को 4 नंबर के साथ, ठीक है, 6 नंबर को 3 नंबर के साथ, 7 को 2 के साथ, और जो हमारा लास्ट वाला है ट्रांसफार्मर का 8वां टर्मिनल, उसको हम रोटरी स्विच का 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, जहाँ से हमारा रोटरी स्विच वर्क करना स्टार्ट होता है। आ रही है समझ में? चलिए, तो हम जो जैसे बताएं वैसे फटाफट इसमें कनेक्शन कर देते हैं।
गाइस मैंने ट्रांसफार्मर के आठों टर्मिनल का कनेक्शन जो है हमें इस रोटरी स्विच के आठों टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही यहाँ पर कनेक्शन क्या क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक साइड का कनेक्शन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले साइड का हम कनेक्शन आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि आठों टर्मिनल में कनेक्शन कर दिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर में ये जो हमारा है ना, इसमें हम फेज सप्लाई इनपुट करा देते हैं, ठीक है। तो फेज सप्लाई इनपुट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा फेज सप्लाई का जो इनपुट पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा, ठीक है, यहाँ से हम फेज सप्लाई के इनपुट पॉइंट है, तो इस वाले टर्मिनल को हम क्या करेंगे, स्विच के निचले वाले हिस्से के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अरे ये समझ में, चलिए तो गाइस यहाँ पर मैंने फेज सप्लाई को हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ इनपुट करा दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो हमारा टर्मिनल है उसको हम क्या करेंगे, फ्यूज के निचले वाले या ऊपर वाले किसी भी टर्मिनल में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पर देखिए स्विच से हमारा जो फेज सप्लाई वो फ्यूज में इनपुट हो गया नीचे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारा टर्मिनल है यहाँ से हम फेज सप्लाई का आउटपुट टर्मिनल पॉइंट लेंगे, ठीक है, सप्लाई, और इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडिकेटर है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिकेटर को वर्क करने के लिए, ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके एक पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज सप्लाई है इसको इनपुट करा देंगे, ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए तो गाइस जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो हमारा फेज सप्लाई होते हैं स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर आ गया, जैसे ही स्विच को ओपन करेंगे हमारा जो फेज से होते हुए इंडिकेटर में चला गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडिकेटर है इसको ग्लो करने के लिए न्यूट्रल कर सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसको भी वर्क करने के लिए न्यूट्रल की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल सप्लाई के लिए नीचे से एक पॉइंट लेते हैं और इसके टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ में, चलिए तो गाइस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई जो हमारा ट्रांसफार्मर में इनपुट हो गया, अभी फेज सप्लाई इसमें इनपुट देंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर। अब कहाँ से देंगे वो हम आपको बताते हैं आगे वीडियो में, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी से न्यूट्रल का हम एक पॉइंट निकालते हैं कट निकाल करके, और जो हमारा इंडिकेटर उसके नीचे वाले टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो गाइस यहाँ पर देखिए, जैसे हम स्विच को ओपन करेंगे यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया और फेज सप्लाई हमारे आएगी और ये जो हमारा इंडिकेटर है वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। चलिए अब इस ट्रांसफार्मर में फेज सप्लाई इनपुट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर का लूप निकालते हैं और रोटरी स्विच के जो हमारा बीच वाला टर्मिनल है इसमें हम इनपुट करा देते हैं, ठीक है। चलिए तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर इसमें इसके रोटरी स्विच में यहाँ पर फेज सप्लाई इनपुट हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे इस रोटरी स्विच को घुमाएंगे तो जिस टर्मिनल पर यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन मतलब सटेगा, यहाँ से हमारा इस पॉइंट में यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हमारा फेज सप्लाई इनपुट हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो गाइस यहाँ पर ट्रांसफार्मर के एक साइड मतलब दाहिने साइड का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इधर वाला जो पॉइंट का कनेक्शन है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए तो इधर का कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, सिंपल है। इसमें क्या करना है, जो ये दोनों जो डायोड दिखाई पड़ रहा है इसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है आपस में कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा डायोड है 5408 का, ये हमारा दोनों पॉइंट को इसको शॉर्ट कर दें। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके एक पॉइंट से एक लूप निकालेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन पॉइंट है सेकेंडरी वायर का, इसमें हम इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे जो हमारा आउटपुट सप्लाई निकलेगी ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ए मीटर का जो दो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इसके किसी भी एक टर्मिनल में इसका हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। चलिए तो देखिए गाइस यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल वाला जो हमारा सॉरी माइनस वाला जो पॉइंट है ये हम क्या करते हैं, डायोड से होते हुए हमारा ए मीटर में यहाँ पर इनपुट सप्लाई हो गया, ठीक है। अब चलिए इससे जो हमारा आउटपुट निकलेगा इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल का जो कनेक्टर है उसके साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। अब चलिए उसके बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो 6 वोल्ट का जो पॉइंट निकला हुआ है इसको हम 6 वोल्ट के कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और जो हमारा 12 वोल्ट का जो पॉइंट है उसको भी कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टोटल पॉइंट का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब हमारा जो ये जो 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए रेडी हो गया है, ठीक है। इसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो चुका है, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से कि कैसे किस पॉइंट का कनेक्शन क्या गया, हम आपको डिटेल से बता चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आपको ये कनेक्शन क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। तो गाइस इस प्रकार से 12 वोल्ट के बैटरी चार्जर का कनेक्शन किया जाता है, यहाँ से हमारा इनपुट सप्लाई होता है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ठीक है।
ठीक है, और ये हमारा दोनों जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा आउटपुट सप्लाई है, ठीक है, और ये भी आउटपुट का है, ठीक है। चलिए अब जैसे कि मान लीजिए कि हमको 6 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो 6 वोल्ट का जो हमारा न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है, जो हमारा माइनस का पॉइंट है, उसमें माइनस वाले को इस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और जो हमारा प्लस वाला है उसको 6 वोल्ट का इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर 12 वोल्ट का कनेक्शन मतलब 12 वोल्ट के बैटरी को चार्ज करना है, तो माइनस वाले पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा माइनस का और ये प्लस हमारा 6 वोल्ट का है, ठीक है, और जो हमारा प्लस वाला पॉइंट है उसको 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा बैटरी चार्जर है 12 वोल्ट का, वो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस हम आशा करते हैं कि आपको ये कनेक्शन क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।